देश में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी नीतियों से परेशान अलग अलग राज्य के नेता बीजेपी छोड़ दूसरे पार्टियों में जाने लगे हैं। इसी कड़ी में गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। चर्चा है कि कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत भी हो गई है। इसके साथ ही खबर है कि गुंजल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स से अपने नाम से मोदी का परिवार भी हटा लिया है। साथ ही हाल ही में उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता याचना नहीं अब रड़ होगा शेयर की है। वैसे तो प्रहलाद गुंजल ने वर्तमान में कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर अपना मत स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन इन सभी चर्चाओं पर उनका कहना है कि जब समय आएगा तभी वे बताएंगे। वहीं आपको बताते चलें कि गुंजल वसुंधरा राजे के सीएम कार्यकाल के दौरान मंत्री भी रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित करने को लेकर भाजपा नेतृत्व के खिलाफ खुलकर सामने आने को लेकर वे काफी चर्चाओं में भी रहे थे। उनका नाम प्रमुख नेताओं में भी शुमार है। इसके साथ ही जैसे ही सियासी अटकलें तेज हुई, वैसे ही कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को इस बात का विरोध दर्ज करते हुए एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कोटा बूंदी सीट से किसी गैर कांग्रेसी को टिकट देने की बात चल रही है, जबकि इससे पार्टी के लिए वर्षों से तन मन और धन से काम करने वाले कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी होगी। ये व्यक्ति अपनी पार्टी से बेवफाई कर कांग्रेस में शामिल होता है और कांग्रेस उसका स्वागत करती है तो वर्षों से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचेगी। इसके चलते कांग्रेस के कार्यकर्ता आगामी चुनाव में काम भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा बीजेपी से बेवफाई कर प्रहलाद कांग्रेस में शामिल होते हैं या नहीं।